प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। खाना पीना खा के बस सोए हुए थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए। और मिला दी थी वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे ऊपर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले। तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है, बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे। लेकिन ये मेरा मायका है, माँ का घर है, ससुराल मेरा कलकत्ता में है। अभी आए थे 9 बजे, रात में ही आए थे कबीर गुरु से। यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी है, यहाँ पर एक फैमिली जो फोर जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी भी फिर अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया, मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया, मेरे बच्चे को चोट लगा, मेरी नातिनी को चोट लगा है, वो लोग एकदम डैमेज वहाँ गई है। इसको तो नहीं मालूम है नाम, लेकिन ये मकान में बनाता है ये लोग, कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम खत्म होना चाहिए, शहर में मेन शहर में ये चीज है, ये चीज तो बंद होना चाहिए। अब हम लोग मर के बचे हैं, ये चीज क्या कितने बजे घटना हुई? घटना हुआ है अभी 10:30 ये घटना हुई सर। धमाका कितना तेज था? धमाका इतना तेज था कि आप बता जंगी में भी आदमी, क्या लगता है छोटा बम होगा क्या? इतना जोरदार धमाका, बहुत जोर जब बोला, 3 मंजिला बिल्डिंग जब ध्वस्त हो गया, उसका पूरा बम का जो चिंगारी उड़ा, पूरा मेरे घर डैमेज हो गया। रात में गदारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है, और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे, और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है। तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके, बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए कुछ पता है? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और JCB जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की,
और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है, क्या लग रहा है? अभी अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा शहर के बीच। ये बात अभी यहाँ पे जो ऊपर ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोजन होने से क्षति होते रही है, और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। लास्ट की घटना, और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है। ये सब जांच का विषय है, इसमें जो भी आगे कार्रवाई है होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। डिटेल हम लोग हैं, 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी है जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं। सर, कितने घरों को नुकसान हुआ है? सर, नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को। जिस तरह से आवाज है सर, ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी, वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इसका इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे, यही अभी हम लोग को पता चला है। और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर। शहर के बीचों बीच है सर, घनी आबादी है और आतिशबाजी है, जिसका शहर वही आपको हमने बताया कि जो जानकारी हम लोग अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं उसमें ये पता चला है कि पटाखा बनाने के दौरान ये घटना हुई है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।